एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। और टोटली हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में। ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और याद रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। तो आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, मुझे गाइड करें प्लीज़, मुझे गाइड करें। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके तो चलिए देखते हैं। यह है द सन का कार्ड। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके यह है मेरे पास जजमेंट की एनर्जी। ओके द लवर्स, का कार्ड है। ओके द एम्परर की एनर्जी है। ओके द एम्परर की एनर्जी है। ओके एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जस्ट अ मिनट। ओके बॉटम ऑफ द डेक, है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर का साइन बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिख रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एरीज है। एंड आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे वो मैं आपको ऐसे बताऊंगी जैसे कि आपके पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे उन लफ्ज़ों में मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको, ठीक है। आपको स्टोरी की जैसे नहीं लेना है, आपको सुनना है। हाँ प्लीज़ था थी पे ध्यान मत दीजिएगा। मैं जो कह रही हूँ बस उसके ऊपर अपने जेंडर के अनुसार से उस वर्ड को चेंज कर लेना आप, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार जीवन में बड़ी कठिनाई है, बड़ा ही प्रॉब्लम चल रहा है, क्या कहूँ मैं तुमसे, एकदम दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, क्या कहें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होंगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइफ में मेरी इतनी सारी चीज़ें चलेंगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तबाह हो गया हूँ मैं, तंग आ गया हूँ मैं अपनी सिचुएशन से, अपनी चीज़ों से परेशान हूँ, पूरी तरीके से परेशान हूँ। लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से मुझे परेशानी इतनी झेलनी पड़ेगी, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा परेशानी आएगी, कि मैं परेशान सा रहूँगा। मैं अंदर से बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ, क्या ही कहूँ, क्या ही बताऊँ मैं तुमसे। मेरे दिल की जो बातें हैं ना, मेरे दिल तक ही रह जाती हैं, मेरे मन की बातें हैं मेरे मन तक ही रह जाती हैं। कहना तो चाहता हूँ कुछ भी, लेकिन फिर ख्याल ये आता है कि शायद मेरी बातें तुम्हें ना समझ में आए, या मेरे दिल का जो पेन है वो तुम्हें ना समझ में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेम तो चाहिए, प्रेम बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि प्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी की लाइफ में, बट मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना वो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं मुझे, अजीब से इमोशंस आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, क्या ही कहूँ मैं तुमसे। अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर मेरे लाइफ में ये बैरियर आ रहा है, फिर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रहा है, फिर मुझे वही चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी हैं जो मैं फ़ेस नहीं करना चाहता। मेरी ज़िंदगी का सबसे वीक पॉइंट अभी फ़िलहाल चल रहा है और मैं बहुत टाइम से सर्वाइव कर रहा हूँ। एक होप है अंदर कि शायद अब ठीक हो जाएंगी चीज़ें, अब शायद समय बदलेगा, अब मेरा स्ट्रगल पीरियड ख़त्म होगा, अब मेरी लाइफ में चेंज आएगा। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ इसके लिए, मैं बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ कि कि मेरी मैनिफेस्टेशन जो है ना कंप्लीट हो, मेरी मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल हो, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिले, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे फ़ील हो, मैं जो चाहता हूँ वो कम से कम मुझे ये ना हो कि मैं अंदर से मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर से मैं बहुत दर्द में हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरे मन की जो फीलिंग्स है, मेरे मन की जो वाइब है ना, वो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा ख़त्म कर रहा हूँ। क्या करूँ मैं, लगता है कि जैसे कि मैं कहीं का नहीं हूँ। धोखेबाज मुझे नाम दिया गया है, उसने मुझे धोखेबाज कहा है और उसे मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट रहता ना तो वो ये नहीं कहता, नहीं कहती। उसे मेरे प्यार के ऊपर भरोसा नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है ना कि दूसरा कोई बोलता तो मैं कहता कि चलो दूसरे किसी ने बोला, क्योंकि दूसरे को एहसास नहीं कि मेरा उसका क्या है रिलेशन। लेकिन वो जब सब जानता है, सब जानती है, और उसके बावजूद भी मुझे ये सुनने को मिलता है तो मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा गुजरती है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरीके से अपने आप को सरवाइव कर पाऊँगा। मैं अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं अपने मन को कंट्रोल कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन में इतने सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, इतने ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चंस जो है ना कैसे ख़त्म होंगे, कब ख़त्म होंगे। मेरा मन बावला सा हुआ पड़ा है, मेरा मन बेचैन सा हुआ पड़ा है, मेरा मन बहुत बेचैन हुआ है, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दिया है। अब ईश्वर से मैं दुआ मांग रहा हूँ कि जो मेरी दुआ है ना वो कम से कम फुलफ़िल हो जाए। जो ईश्वर से मैंने मांगा है वो कम से कम ईश्वर मुझे दे दे। इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद सिर्फ वो मुझे चाहिए, वो मुझे मिल जाए ना तो फिर ठीक है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ परफेक्ट है। बट वो मुझे नहीं मिला ना, या नहीं मिली ना, तो फिर पता नहीं मैं कैसे रहूँगा, अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं जो है ना उसे ही चाहता हूँ, मेरा मन बस उसके तरफ है। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हूँ, बहुत प्रार्थना करता हूँ। मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस ऐसे हैं ना कि बस वो है तो ठीक है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर ये हो चुका है कि वो नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, वो तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो सॉन्ग तुमने सुना है ना, सेम वही सिचुएशन मेरे साथ है आज। मेरे मन में अब ऐसा हो चुका है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब मन की इच्छा सिर्फ यही है कि मुझे उसको पाना है, मुझे उसको देखना है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरा उसके साथ कनेक्शन है। मैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग से, अपने इमोशंस को कभी भी है ना, मैं कभी भी उसके साथ जो है ना ये नहीं कर सकता। मैं अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस के साथ कभी भी है ना मैं उसको डील नहीं कर सकता। मैंने अंदर से यही फील किया है कि उसका मेरा प्रति पागलपन ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पागलपन है। वो मुझसे प्यार बहुत करती है, मुझे ये पता है, वो मुझसे प्यार बहुत करता है, ये भी मुझे पता है। लेकिन क्या मैं उन सारी चीज़ों को समेट पाऊँगा, क्या मैं उन सारी चीज़ों को देख पाऊँगा, पता नहीं क्या है। बट मुझे जो है ना जहाँ तक लगता है ना कि मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरा माइंड कंट्रोल के बाहर जाता है, मेरा माइंड बहुत कंट्रोल के बाहर जाता है। मन में बहुत चीज़ें चल रही हैं, मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मन में बहुत कुछ है, लेकिन क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूं, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं लगता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या ये पॉइंट है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना धीरे 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 बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। मैं खुद भी बहुत बदल रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं तुमसे खुद, मैं खुद बदल रहा हूँ। और ये बदला बदला सा इंसान क्यों ऐसे कर रहा है पता नहीं, लेकिन मैं जो फ़ील कर रहा हूँ ना सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग सी फीलिंग है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग सी वाइब है। मुझे लगता है ना कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपनी तकलीफ़ को छुपाता हूँ। तुम्हें इतना बता देता हूँ कि मेरे अंदर की जो तकलीफ़ है ना वो मैं छुपाता हूँ, मैं नहीं बोल पाता। मुझे लगता है कि नहीं बोलना है, मुझे नहीं करना है ये सब कुछ, क्यों करना है, मुझे नहीं करना है ना कुछ। मुझे सच में अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए क्लैरिटी चाहिए और मुझे क्लियर होना पड़ेगा, मुझे क्लैरिटी लानी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे करके मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लानी पड़ेगी और मुझे लगता है कि क्लैरिटी अगर आ गई ना तो फिर ज़िंदगी सफल हो जाएगी, फिर मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। क्योंकि देख, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो मुझे लगता है कि मैं किससे कहूँ अपने मन की बात, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे मन की बात कोई सुनने वाला नहीं है, मेरे मन की बात कोई भी नहीं सुनेगा। ठीक है। और मैं इसी वजह से परेशान हो जाता हूँ कि यार कोई तो हो जो मेरे मन की बात सुने, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलता, मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं। और मैं आज तुमसे ये बातें कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों कह रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ तुमसे। चलिए देखते हैं कि जो पर्सन है उनका क्या कहना है आपके बगैर, आपके सॉरी आपके बारे में। ओके डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके यह है मेरे पास टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। स्ट्रेंथ, ओके थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है ना वो कहते हुए दिख रहे हैं, जिनसे इन्होंने कहा वो कहते हुए दिख रहे हैं कि तूने उसे देखा है, वो कितनी मैच्योर है, तूने देखा है ना कितनी मैच्योर है, कितनी पॉजिटिव है, तूने ये देखा है ना, उससे बात करके कितना पॉजिटिव फील होता है, ये तुझे पता है, मुझे तो बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये तेरा खासा एक्सपीरियंस रहा है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं तुझसे बता रहा हूँ। देख मुझे लगता है ना कि वो एक हीलर है, ठीक है, वो एक हीलर है, वो कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी, कोई कभी भी कुछ गलत तरीके से नहीं डील करेगी, कभी भी कुछ गलत चीज़ें नहीं करेगी। मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेरी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट डालेंगी। मुझे लगता है कि ये चीज़ें तुझे करनी चाहिए, तुझे जो है ना अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें करनी चाहिए, धीरे 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 करके ही सही, पर तुझे करना पड़ेगा, तुझे अपनी ज़िंदगी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुझे अपनी लाइफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने आप के साथ अपनी ज़िंदगी के साथ तुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। देख मैं यही देख पा रही हूँ, देख मैं यही कहूँगा कि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इतना बुरा भी हो मुझे नहीं लगता है, ठीक है, इतना बुरा भी हो मुझे नहीं लगता है। और मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। मुझे लगता है कि तुझे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में है ना आगे बढ़ना चाहिए, तुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तू उसके तरफ जा, चैलेंजेस को फेस कर, चैलेंजेस को अपना, चैलेंजेस को देख, तू समझ, तू ठीक है, चैलेंजेस को जो है ना तू अपनी ज़िंदगी में लेकर के आ। एंड देख तेरे सामने चैलेंजेस तो हैं ही, लेके आने की तो तुझे ज़रूरत है नहीं, बट मैं तुझे यही कहूँगा कि तेरे अंदर वो स्ट्रेंथ, तेरे अंदर वो पावर होनी चाहिए कि जो तेरे सामने आज हो रहा है तुझे प्रूव करने की जो ज़रूरत पड़ रही है, तुझे जो उसका विश्वास जीतने का तू बात कर रहा है वो तू विश्वास तो आराम से जीत सकता है ना, अगर ये सारी चीज़ें तू कर देता है तो विश्वास तो तू आराम से जीत सकता है। तो ये तुम ये सारी चीज़ें करने में ही जो है ना अपना वक्त क्यों नहीं लगाता, तुम फालतू की चीज़ें क्यों करने का सोच रहा है। तुझे अगर करना ही है तो कुछ पॉजिटिव कर, तुझे करना ही है तो कुछ ऐसा कर जिससे तेरा और उसका रिलेशनशिप बन पाए, तेरा और उसका रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन बन पाए, तुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि तू अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहता है ना वो तू अभी नहीं कर सकता, मुझे जहाँ तक लगता है। तेरी ज़िंदगी में जो भी तुझे करना है वो सच में तुझे लाइफ में आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा, मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि तू जिस तरीके से प्यार करता है इसलिए तू इंतज़ार भी कर रहा है, अगर तू प्यार नहीं करता तो इंतज़ार भी नहीं करता, ये तो मुझे पता है, ठीक है। बट काफ़ी टाइम हो गया है ना, इंतज़ार करते करते भी बहुत टाइम हो गया, तो मैं कहूँगा तुमसे कि तू अपने आप को और थोड़ा सा पुश कर, अपने आप को थोड़ा सा और उसकी एनर्जी के साथ मैच कर, और तब देख तेरी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आते हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर तूने ये इतना सा काम कर दिया ना, तो देख तेरी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा सुधार होने लगते हैं। मुझे तो यही लगता है कि तेरी ज़िंदगी में सुधार होने की बारी अब आ गई है। अब तुझे जो है ना इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सोच के अपने आप को वीक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आगे का तू देख ले, समझ ले, बट मुझे लगता है कि तेरा इंतज़ार ख़त्म होना चाहिए। अब तू कितना इंतज़ार करेगा मेरे भाई, है ना? तू कितना इंतज़ार करेगा? इंतज़ार कर कर के कोई बूढ़ा तो नहीं हो सकता ना। इंतज़ार कर कर के कोई अपने आप को, है ना, इंतज़ार कर कर के जो है कोई आपको इस तरीके से नहीं रख सकता। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि यस, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि तुझे ये सारी चीज़ें करनी होंगी, यानी कि तुझे अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अपने आप के साथ मैनेज करना होगा, अपनी चीज़ों के साथ मैनेज करना होगा, रिश्ते को कम्प्लीटली फुलफ़िल करने के लिए, है ना? तुम इंतज़ार जो कर रहे हो उसको ख़त्म करो और रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, ठीक है? सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से। सो कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।